प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ी जबरदस्त जगह है और यूनिवर्सिटी के लिए होनी भी अच्छी सी जगह है। हमने चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के बात करनी है, जो हमने पख्तूनख्वा में किया था, वहां भी हमने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठ के एक सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट की थी। एक साल के अंदर अंदर सारे केसेस, सिविल केसेस का हमने फैसला किया था होगा, और वो हमारे साथ अदलिया भी थी, उन्होंने भी हमारे साथ पूरी तरह तावन किया। और अब हम इंशाल्लाह नेशनल लेवल के ऊपर ये करेंगे कि केसेस एक साल से ज़्यादा केसेस को नहीं जाना चाहिए। हम सारों को मिलके इस हम अपने अवाम के लिए, यानी हम ये अवाम से ये जुल्म नहीं कर सकते कि जुर्म होता और सजा नहीं मिलती, तो इंशाल्लाह एक ऐसा निज़ाम लाएंगे कि एक साल के अंदर केस का हल हो। तो मैं आज अपनी कौम से, आप सबके सामने कहता हूँ, मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा। सिर्फ मुझे जो सिक्योरिटी की वजह से जो मुझे मसले आते हैं उसकी वजह से मुझे ये गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं। मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा, आपका पैसा मैं बचाऊंगा और वो सारा अपनी उस 50% निचले तबके के ऊपर खर्च करवाऊंगा। कोई बिजनेस मैं नहीं करूंगा। जब एक हुक्मरान बिजनेस करता है तो वो नुकसान पहुंचाता है मुल्क को, इसलिए जब तक आपकी वजह से मैं इक्तदार में हूं, कोई बिजनेस मैं नहीं करूंगा। अल्लाह ने हमारे मुल्क को सब कुछ दिया है, इस मुल्क में अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ये अल्लाह की खास नेमत है ये पाकिस्तान जो है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, हमने इसको अपना मुल्क समझ कर रहना है। जब सरकार का पैसा चोरी होता है तो हम सब ने मिलकर उसकी हिफाजत करनी है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो मैं आपको अपनी विजन दे देता हूं, मेरी विजन ये है पाकिस्तान की कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं तब जिंदा हूंगा या नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि वो अगर हम इस तरफ चल पड़े, हम नेशन बिल्डिंग की तरफ चल पड़े, एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। और हम इंशाल्लाह उन मुल्कों की मदद करेंगे जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नहीं दिया, जिधर गरीब लोग हैं, हम वो मुल्क होंगे जो लोगों की मदद किया करेंगे। वो है मेरा आइडिया पाकिस्तान का, मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।